वायरस के संकट के बीच डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार हो रहे हमलों पर आज बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश पास किया गया। इसके मुताबिक अब स्वास्थ्य कर्मियों पर किसी भी तरह के हमले पर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा होगी, साथ ही उसे हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, कई जगह डॉक्टरों के खिलाफ हमले की जानकारी आ रही है, सरकार इन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार इसके लिए एक अध्यादेश लाई है जिसके तहत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इस अध्यादेश के अनुसार किसी भी मेडिकल कर्मी पर हमला करने वाले को जमानत नहीं मिलेगी, 30 दिन के अंदर इसकी जाँच पूरी होगी, साथ ही 1 साल के अंदर फैसला लिया जाएगा, जबकि आरोपी को 3 महीने से 5 साल तक की सजा का प्रावधान रहेगा। इसके अलावा गंभीर मामलों में 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। गंभीर मामलों में 50,000 से 2,00,000 तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। स्वास्थ्यकर्मी की गाड़ी पर हमला करने पर भी मार्केट वैल्यू का 2 गुना ज्यादा भरपाई करनी होगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।